हेलो प्लांट लवर्स एंड वेलकम टू माय मिनी यूट्यूब चैनल द डुओ गार्डनर्स। सो मेरे चैनल पे मोस्ट ऑफ द वीडियोज जितने भी हैं, ज़्यादा तो है नहीं पर जितने भी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा वीडियोस पे जो कमेंट्स हैं और क्वेश्चंस हैं बेसिकली वाटर लिली और लोटस को लेकर के ही हैं। सो ये मैंने पिछले साल अपने गार्डन में ऐड किए थे। 3 वाटर लिली हैं जो मैंने मुझे 300 ईच मिले थे, जिसमें से ये पिंक कैपेंसिस है, वाइट सियाम है और एक मडामे वेल फॉर्म है। तो 3 ये हो गए। उसके अलावा ये मैंने व्हाट्सएप पे एक सेलर से बल्ब बाई किए थे। उसके अलावा एक मैंने अमेज़ोन से बल्ब ऑर्डर किया था जिस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं इस चैनल पे, उसको मैंने ग्रो भी किया है। और ये जो डार्क कलर की लीव्स दिख रहे हैं उसके ही हैं, वो नाइट ब्लूमर का था। और जो चौथा है लोटस का है, जिसे मैंने सीड से ग्रो किया है, उसे मैंने मीशो से लिया था। तो सबके नॉर्मली यही क्वेश्चन रहते हैं, कैसा रिव्यू है, क्या कैसी ग्रोथ है। तो जो तीनों प्लांट मैंने मुकेश वाटर लिली से बाई किए थे उन तीनों में अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। आप देख सकते हैं ये मेरा पिंक कैपेंसिस का है, जिसमें डेली अप्रॉक्स जब से मैंने ये प्लांट लिया है तब से लेकर आज तक, इवन इन विंटर्स में ऐसा नहीं होता कि डेली फ्लावरिंग होती, यहाँ पर वंस वीक में एक फ्लावरिंग ज़रूर आ जाती है, और रेनी सीजन में और बाकी समर में ये डेली फ्लावरिंग करता ही करता है। और इसमें आप देख सकते हैं 6-7 फ्लावरिंग बर्ड्स भी हैं। उसके अलावा जो मेरा मडाम था उसमें फ्लावरिंग अभी तक नहीं शुरू हुई थी, मतलब 1 साल हो गए, पर इस सीज़न में उसमें 1 साल के पहले उसमें ग्रोथ आ गई, क्योंकि मैंने उसे पिछले अगस्त में लिया था, अगस्त सितंबर में अप्रॉक्स, और अभी उसमें फ्लावरिंग आ गई है। और पिंक वाइट सियाम में फ्लावरिंग हो रही थी पर अभी वो रूट बाउंड होने की वजह से उसमें थोड़ी फ्लावरिंग कम आ गई है, पर अभी भी वो कर रहे हैं। और ये जो बल्ब आप अभी देख रहे हैं ये मैंने जो अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, मुझे ये पड़ा था 130 का। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है पर प्रॉब्लम ये है कि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसके वजह से इसमें उतनी फ्लावरिंग अभी तक आई ही नहीं है। अभी मुझे इसके लिए इन्हें सेपरेट करना होगा, अलग करना होगा, जो कि मैं अभी एट द पीक सीज़न में नहीं करूँगी, डॉर्मेंसी के टाइम पे ही करूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे, एक ही बल्ब मैंने लिया था और अभी इस पूरे टब में वो अप्रॉक्स मतलब 12 से 13 बल्ब तो हो ही गए होंगे। उनके छोटे छोटे अभी दिख नहीं रहे, प्रोमिनेंट नहीं है, पर पूरे टब में वो स्प्रेड हो गए हैं, जिसके वजह से मेरे इसमें उतनी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो उन्हें मैं सेपरेट करूँगी। और फिर मेरे जो वाइट कैपेंसिस और मडामे हैं उसमें भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो लोग बेसिकली इसी का क्वेश्चन पूछते हैं कि जो मैंने 130 में लिए थे उसमें क्या रिज़ल्ट है, ग्रोथ है, उसके आगे के फर्दर अपडेट्स पूछते हैं। तो उसके फर्दर अपडेट तो मेरे पास नहीं, क्योंकि उसमें अभी तक फ्लावरिंग शुरू ही नहीं हुई है। वो ये भी वजह है, बल्ब तो काफ़ी अच्छी थी, विद इन फ्यू डेज उसमें ग्रोथ शुरू हो गई थी। उसका शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पे है, बल्ब में कोई कमी नहीं है पर वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उसे मैं अब पॉट इन पॉट मेथड में अलग तरीके से करूँगी। तो यहाँ पे मैं अभी अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र ऐड कर रही हूँ, ये NPK 20-20-20 है। इनके 2 पैकेट्स बना के मैं अपने साइड में डाल देती हूँ, आप ऐसे पानी में रहता है तभी भी डाल सकते हैं, साइड टू साइड। देखिए ये वाइट वाले का फ्लावरिंग भी हुआ है, एक गिरा हुआ भी है, मतलब जो पहले खिला था। ये मेरे लोटस के हैं जो कि सीड से मैंने मीशो से बाय किए थे और ग्रो किया है, इसमें भी अभी तक फ्लावरिंग नहीं आई हुई है। एट द एंड सभी सीड्स से ग्रो किए हुए, बल्ब से ग्रो किए हुए, ट्यूबर से ग्रो किए हुए, सभी के ग्रोथ अच्छे हैं। फ्लावरिंग मेरी अभी अमेज़ॉन वाले में नहीं हुई है। और ये मेरा मडामे है, इसकी ये फर्स्ट ब्लूम थी और वीडियो बनाते टाइम मुझे मिल गई थी तो मैं काफ़ी खुश थी। ये पिंक कैपेंसिस भी अच्छे से ब्लूम करता ही है, उसके बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे हैं। सो हैप्पी गार्डनिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन हो जो आप
जानना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, या फिर कोई भी रिव्यू या फिर कुछ भी जो आप वाटर लिली, लोटस या फिर किसी भी वाटरिंग प्लांट से रिलेटेड हो, आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं।